हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज है डबल सेलिब्रेशन। एक तो है आज शुभांगी का फेयरवेल सेलिब्रेशन एंड मेरे मम्मी पापा मदर इन लॉ फादर इन लॉ की मैरिज एनिवर्सरी। तो देखिए, यहाँ पे मेरी डेकोरेशन को ना मैं ये अपने फोन के न्यू फीचर के साथ वीडियो बना के ट्राई कर रही थी। और ये रहा हमारा आज का केक एंड मेन्यू। खाना बहुत ही टेस्टी था एंड केक तो उससे भी ज्यादा टेस्टी था जिसमें हमने छोटा सा बस बाय लिखवाया था। हैप्पी फेयरवेल टू यू, हैप्पी फेयरवेल टू यू डियर शुभांगी, टू यू गो टू। चाकू है, चाकू को सीधा कर लो। और उसके बाद बस एक दूसरे को केक खिलाने का सिलसिला चालू हो गया, जो कि हर ओकेजन का सिमिलर रिचुअल होता है। ये अर्चना ने मस्त इतना बड़ा पीस सीधा शुभांगी के मुंह में डाल दिया। और ना फिर जब मैं अब ये देखिए, ये ना मैं हिंट दूंगी इनको स्प्रे के लिए, मैंने स्पेशली मंगा के रखा था। ये देखिए, मैं विकास से बोल रही हूँ। और ना हमें केक के साथ उन्होंने कोन दी थी क्रीम की नाम लिखने के लिए, बट अर्चना ने ना इसे संभाल के रखी हुई है। शुभांगी को नहीं पता ये हमने क्यों संभाल के रखी है और क्यों रखी है, ये आप जल्दी देखेंगे। देखिए हमने कितना अच्छा यूज किया है इस कोन का। तो मैं आपको एक सीक्रेट बताती हूँ, जो डेकोरेशन हुई है ना, ये हमने अमूल्या वाले फेयरवेल की ही यूज की है। एंड हमारा मेजर कंसर्न है कि अब ये डेकोरेशन हम दोबारा यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो स्प्रे की वजह से खराब हो गई है। जस्ट इमेजिन। और हम ये सब डिस्कस ही कर रहे थे कि सडनली ये देखिए क्या हुआ। अब स्प्रे की पूरी बॉटल मंगाई है, स्प्रे वेस्ट तो नहीं कर सकते ना, वो तो हमें खत्म करना ही था सारा की सारा उसी दिन। ऐसे अगर फेयरवेल सेलिब्रेट होती तो मैं कभी नहीं जाऊंगा। इसीलिए किया गया, बताने के लिए कि ऐसे जाना अच्छी चीज नहीं है, जाओगे तो ऐसे जाना पड़ेगा। केक खिला दीजिए। केशव इतना डर गया था स्प्रे से कि वो केक खिलाने के लिए आगे भी नहीं आ रहा था। एंड वो आया, कैसे तैसे आया। और काश बहुत मजे कर रहा था ना सब पे स्प्रे डाल के। तो ये देखिए वो कैसे बच सकता था, ये देखिए क्या हुआ। एंड इसके बाद हम सब लोग हंस रहे थे कि वैसे तो दिवाली आने वाली है पर हमारे डिपार्टमेंट में होली सेलिब्रेट हो गई है। और अगर आप शीना की धीरे से आवाज सुन नहीं पा रहे हैं तो मैं बता देती हूँ, वो कह रही है सर के ऊपर फोम डालो। प्लीज मेरे पे मत डालो। एंड ये हमारा होली सेशन खत्म होने के बाद हम खाना खा ही रहे थे बट केशव से खाना नीचे गिर गया और हम ये मौका कैसे छोड़ सकते थे उसको इरिटेट करने का। ये देखिए यही वो है आदमी, वो ऑडियोलॉजिस्ट जिसने ये किया है। धड़न धड़न। ये ना केशव भागने की कोशिश कर रहा है कि मैं रिकॉर्डिंग में नहीं विशेष दूंगा, बट ऑफ कोर्स हम कहाँ उसे भागने देंगे। आप देखना सबके वीडियो रिकॉर्डिंग्स में बीच बीच में अपने मैसेजेस पास करेगा। मैंने चालू कर लिया। मेरी बारी भी तो साथ में आके बैठ गई थी। थोड़ा पास साथ ही बैठ जाओ। हमारी सीनियर फैकल्टी एचओडी टू बी फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ ऑडियोलॉजी एंड एसएलपी। हाँ जी।
सामान पूछा ये हंस क्यों रही इतना मैं भी एक मेरा तो बहुत गंदा शूट हुआ है मैं क्या बताऊं एक बार दिखाना मैं आपका अर्चना नहीं नहीं, नहीं। कॉपीराइट आ जाएगा मैंने तो बकवास नॉन में सब क्या क्या बोला मेरे को समझ नहीं आ रहा ओहो रिकॉर्ड बना है हमारे डिपार्टमेंट के ऑडियोलॉजी के मिस सुभांगी जी जो कि जिनकी विदाई सेरेमनी हो रही है और वो अपनी हायर स्टडी के लिए पूना जा रहे हैं हमारी बेस्ट विशेष यही है कि वो आगे फ्यूचर में काफ़ी अपने करियर की तरफ अग्रसर हों और गॉड से प्रार्थना करेंगे वो अपने फ्यूचर में पूरी शुभांगी मैम को भी भेज दिया तो कितना खुश हो आप खुश हो शुभांगी मैम जा रही हैं और नहीं तो मैम बहुत खुश हूं परेशान करते थे मुझे एक बार ही उधर देखना पकड़ी गई पीछे फिर हम उनके अच्छे करियर के लिए शुभकामनाएं देते हैं उनको फिर सूरज जी तो तुम्हारी शादी में ही नहीं आ पाएगी वहाँ से पुणे से तो नहीं मैम बुलाएंगे हम चाहे कुछ भी हो हम उनको बुला के लाएंगे वहाँ से शुभांगी ना टीचर की तरह बैठ गई ये बात आप गलत बोल रहे हो सिस्टर की शादी थी वहाँ आपने अरे विकास का लाफ्टर अटैक खत्म ही नहीं हो रहा है अभी तक हंसी जा रहा है हंसी जा रहा है शुभांगी मैम को हम यही कहना चाहेंगे जहाँ भी जा रही है अपने मन लगा के पढ़े और भी फुल एंजॉय करें किसी भी तरह से। उन्होंने अपनी जो भी जीवन शैली उसमें उन्होंने अपना फुल एंजॉय करना चाहिए बिना ऐसे बोलना ये देखो ये आया केशव फिर से टिप्पणी करने मैम फुल एंजॉय करना अभी पता चलेगा क्योंकि अमूल्या मैम हमें बहुत मिस कर रही है हाँ तुम भी ऐसे करना नहीं कॉल करती नहीं कुछ नहीं नहीं वो रोज रो रही है वहाँ हम इस वीडियो के माध्यम से अमूल्या मैम तक पहुँचाना चाह रहे हैं तो इधर कैमरे में देख के बोलो क्या बोलना चाह रहे हैं कॉल करें एक आध बार बात करें याद करें इसको शुभांगी मैम को हम एक चीज के कारण तो बहुत ज्यादा मिस करेंगे शुभांगी मैम आते ही पहले बोलती थी विकास भैया कहाँ गए चाय लेके आनी जल्दी आओ कहाँ पर हो उनके लिए अब चाय डिपार्टमेंट मैं हूँ ना कौन पिएगा मैं पता नहीं मैं पियोगे नहीं मैं पीऊंगी मेरे लिए लाना रोज लाना दिन में दो दो हिम्मत रख मैं हूँ मैं बस अपनी लाइफ में खुश रहें बहुत आगे जाएं और इतना कि नजर में फोन में ठीक है करियर और दोबारा इसी टीम में कभी ना आए और रहे बस खुश रहें और हैप्पी रहें बस बेस्ट विशेस अरे लास्ट हमारा फेयरवेल हुआ था अमूल्या का again we have one more person who is going for her post graduation and I'm very happy that she has gotten what audiology hai na and in a college where she wanted to go so that's the best part but worst part abhi aayega jab ye wahan pahunch jayegi and jab isko bahut sare presentations banane honge like kal iski JC hai and usko bahut sare presentations mein changes mil jayenge आई एम श्योर जो भी पीजी कर चुके हैं और जो कर रहे हैं ना वो कितना इससे रिलेट कर पा रहे होंगे जब इसको थीसिस ऐसा लगेगा फाइनल ड्राफ्ट ऐसे करके सेव करेगी उतने में ही गाइड से थोड़े से और करेक्शंस आ जाएंगे रेफरेंसेस में चेंजेस करने पड़ेंगे और जब इसको पुराने ड्राफ्ट्स नहीं मिल रहे होंगे और पीपीटी तैयार करनी होगी एंड जब इसको घर की तो आई थिंक उतनी याद नहीं आएगी बिकॉज बहुत टाइम से बाहर रह रही है बट जब बैक टू बैक एग्जाम्स होंगे बहुत सारे एग्जाम्स होंगे सोच के जा रही होगी पुणे जा रही हूँ नए फ्रेंड्स बनाऊंगी घूमूंगी फिरूंगी वो ना सिर्फ इंस्टाग्राम फेसबुक के लिए होगा बट एक्चुअली लाइफ हेल हो जाएगी मैंने अमूल्या को बोला था एंड अमूल्या अगर ये वीडियो देख रहे प्लीज कमेंट करके बताना मैंने कितना ठीक बोला था हर दिन रोई है वो लड़की मैं चिकनी चुपड़ी बातें नहीं करूंगी जाओ बी रेडी क्योंकि दो साल एक्चुअली पीजी के इजी नहीं होते हैं हम सब ने किया है हमें पता है कि इजी नहीं है केशव एग्री करेगा आई थिंक इस बात से है ना इजी नहीं होने वाले बट देन जब पीजी खत्म हो जाएगा ना तो बहुत अच्छी फीलिंग आती है आई थिंक यूजी के बाद वो फीलिंग नहीं आएगी ये जॉब करने के बाद वो फीलिंग नहीं आएगी छह साल सक्सेसफुली बर्बाद कर दिए एंड देन कम बैक टू एसजीटी मे बी हम लोग हो नहीं पता दो साल बाद का
बट आप आइए और केशव की कमान संभालिए. केशव जब तक प्रमोट हो जाएगा एपी बन जाएगा एंड आप क्लिनिकल कमान संभालना, ठीक है ना. केसी जब ऑडियो मिट्री करते हो ना थोड़ा हिस्ट्री से कोरिलेट कर लिया करो, वेबर एसीबीसी मास्किंग वगैरह. हाँ थोड़ा सा कोरिलेट कहाँ पे लेटरलाइज हो रहा है, कंडक्टिव है, सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है, हिस्ट्री से. ठीक है, तुम्हें शादी थोड़ी हो रही है ऐसे दुल्हन. ठीक है, पीजी के लिए जा रही हो भैया, चिल होके जाओ. ये ऐसे मेरे सामने ही ऐसे करी है, बट इतना डरती हो तुम मुझसे? इतना नहीं डरती है, नहीं तो अदर. हाँ नहीं डरती है भाई, इसका वो वाला वीडियो जाके देखना, शुभांगिया ने एलेक्सा की गॉसिप वाला, पता चल जाएगा कितना डरती है मुझसे. ठीक है, बाय बाय. शुभांगी, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, स्टडी वेल एंड कोऑपरेट विद द अदर कोलीग्स एंड द स्टाफ. सो ऑल द बेस्ट वंस अगेन. थैंक यू सर. शुभांगी, आज तुम जा रही हो बट वहाँ पे जाके पढ़ना, मस्ती करना और पढ़ाई पे ध्यान देना बस. और हमसे मिलने आना बीच बीच में अगर तुम्हें टाइम मिले तो. वो तो हो नहीं पाएगा बट ट्राई करना, अगर टाइम मिले तो हमसे मिलना कभी कभी आके. और कुछ भी हेल्प चाहिए तो हम लोग सब हैं. हाय शुभांगी, सो फाइनली तुम जा रही हो. जिस दिन का तुम्हें इंतजार था बरसों से, मास्टर्स का, वो तुम्हारे लिए आ गया, वो भी पूना. हाँ, इतना ट्रिप्स, इतना प्लानिंग सब ऑलरेडी अभी तुम्हारा चल रहा है मुझे पता है, बट हाँ पढ़ाई भी करना एंड अच्छे से रहना, मोटी मत होना, पतली भी मत होना एंड जस्ट एंजॉय योर लाइफ. एंड वापस SGT आने तो आ सकती हो, बट देख लो अगर तुम्हें आना है तो, क्योंकि तब तक हम शायद रहे यहाँ पे, नहीं रहे नहीं पता. बट हाँ एक और चीज, वहां पे जाके मिसल पाव खाना, पाव भाजी खाना और चिकन तो नहीं, वेजिटेरियन है लड़की, और तुम फिश भी नहीं खा सकती वहां पे, तो जा ही क्यों रही हो तुम महाराष्ट्र. तो वहां पे चलो मस्ती करना, ट्रिप्स करना एंड बहुत सारी फोटोज भेजना और ऑल द बेस्ट, बाय. अंकी के जी, मैं यही भूलूंगी कि बहुत अच्छी जगह जा रही है, मेरी तो फेवरेट है पुणे. लाइक मैं अभी जस्ट आई हूँ तो मेरे तो वो प्लेस जन्नत है, पुणे भारती विद्यापीठ. एंड बहुत अच्छी जगह जा रही है. माय बेस्ट विशेस आर विद हर ओनली. एंड बहुत ज्यादा वहां पे मस्ती करना, ट्रैक है बहुत ट्रैकिंग के लिए. एंड भारती विद्यापीठ पे सब कुछ बहुत अच्छा है. यू गोना एंजॉय योर लाइफ, मतलब मास्टर लाइफ, पीजी लाइफ इज गोना फन फॉर यू, बिकॉज रियली भारती विद्यापीठ इज वन ऑफ द लाइक बेस्ट कॉलेज. एंड लाइक अभी मैं नाम मेंशन नहीं करूंगी, बट या इट इज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज. और ये कह रहा कि हमने छोटू सा सेलिब्रेशन किया था मम्मी पापा की एनिवर्सरी का. मैंने फटाफट आके जो भी थोड़ी सी देर में डेकोरेशन कर पाई मैंने करी. आई होप आपको अच्छी लगी हो और मम्मी पापा को भी अच्छी लगी हो. आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, हमारा सेलिब्रेशन डेकोरेशन अच्छा लगा हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू, बाय बाय.